स्योहारा के मुंडाखेड़ी गांव के दीपक की संदिग्ध हालातों में हुई मौत से गांव में मातम का माहौल है। जब दीपक का शव गांव पहुंचा तो घर में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। दीपक के परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। गांव में आक्रोशित भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने समझा बुझाकर ग्रामीणों को शांत कराया। काफी देर तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही, लेकिन आखिरकार परिजन अंतिम संस्कार के लिए मान गए। भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच दीपक का अंतिम संस्कार कर दिया गया। घटना को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर गांव में एएसपी सिटी संजीव वाजपेयी, एएसपी पूर्वी धर्म सिंह मारछाल, सीओ नगीना और सीओ धामपुर सहित भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने पर पुलिस अधीक्षक ने स्योहारा थाना अध्यक्ष सहित चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। स्योहारा से नज्म सिद्दीकी की रिपोर्ट। दीपक कुमार मेरा भतीजा था और वो पुलिस कस्टडी में हुआ 12 तारीख को। उसके साथ पुलिस कस्टडी में हादसा हुआ। हादसे में पुलिस के साथ लड़की विपक्ष के कुछ लोग थे। प्रशासन से मिलकर उन्होंने ये हादसा करा, उसे जान से मार दिया। अब हमारी ये हुई है कि हमें इंसाफ मिले, उन सब लोगों को सजा हो, इन सब कुछ। और हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी नहीं मिल पाई अभी तक। हम सुबह से इसी चक्कर में दाह संस्कार भी नहीं कर पाए उसका, लड़के का। बस प्रशासन कहता आज मिलेगी या कल मिलेगी, बस ऐसा कह के हमें टाल दिया जाता। ये क्या मामला था और क्या आप इसमें आपका कहना? घटना के विषय में तो आप जानते ही, शामली में पंजीकृत किया है, वहीं पोस्टमार्टम हुआ था। बॉडी गांव में है, अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही हैं। उनकी कुछ बातें थी, उनको कुछ कंफ्यूजन थे, उनको जो बात की उनको दूर किया गया और अब उसके अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं। और जो पंजीकृत थे उसमें सही इंस्पेक्टर। अब गाँव वाले संतुष्ट हैं आपकी बात? हाँ बिल्कुल संतुष्ट है गाँव वाले हमारी बातों से। हम सबके बीच में बैठ कर बात कर रहे हैं, उनको सारी चीज़ बताई, समझाया गया, जो कंफ्यूजन थे उनको दूर किया। ठीक है, थैंक यू।